जनपद अल्मोड़ा के बाजार में अज्ञात चोरों ने चार दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि एसएसपी कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना में चोर ने नकदी पर हाथ साफ किया है। वहीं इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए चोर की पहचान में जुट गई है। इसके तहत ही प्रभावित दुकानदारों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने चोर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मैं करीब सुबह 7:30 बजे करीब अपनी दुकान में जब दूध लेने आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा ताला और कुंडा टूटा हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर आज कुछ न कुछ हुआ है। और मैं जब अंदर जाके देखा तो उसमें मेरा जो कैश बॉक्स था वो तोड़ के उसमें से पैसे निकले हुए थे। उसमें करीब 2000 रुपये का कैश और प्लस चेंज कर लगे 2300-2400 रुपये का माल मेरा निकला। कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मेन उसमें ताला तोड़ के और उसमें कैशी का नुकसान लगा और कोई खास नुकसान नहीं। देखिए जिस तरीके से मतलब एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही कहो इसे, थाना कोतवाली के कदमों के नीचे हुई है और 3 से 4 दुकानें तोड़ी गई हैं जिसमें चोर भी शायद कहीं ना कहीं पर चोर भी दिख रहा है। तो हमारा पुलिस वालों से, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि शीघ्र से अतिशीघ्र इस चोरी का खुलासा किया जाए, नहीं तो व्यापार मंडल कहीं ना कहीं पर धरने के लिए बाध्य होगा, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी इस चोरी का खुलासा भी होगा।